गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास के लिए आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है साइंस में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आइए, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार होता है, पाचन भोजन का, तो आइए देख लें, यहाँ से देख लेते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान, लार्ज इनसोल्यूबल पीसेस ऑफ फूड, देखो लार्ज माने बड़े, इनसोल्यूबल माने अघुलनशील, जो घुलते नहीं हैं, पीसेस माने टुकड़े, फूड माने भोजन के, यानी भोजन के बड़े अघुलनशील टुकड़े, आर ब्रोकन माने टूट जाते हैं, डाउन इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ब्रोकन डाउन माने टूट जाते हैं, इनटू सोल्यूबल सब्सटेंसेस माने घुलनशील पदार्थों में टूट जाते हैं, ठीक है। विच आर स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, विच आर स्मॉल, है ना, जो छोटे होते हैं, पर्याप्त होते हैं, एनफ माने टू बी एब्जॉर्ब, किस चीज़ के लिए पर्याप्त होते हैं, एब्जॉर्ब माने सोखे जाने के लिए, अवशोषित किए जाने के लिए, थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बनी हुई थी आंत, तो जो आंतों की दीवार होती है ना, उनके द्वारा सोखे जाने के लिए ये छोटे छोटे कण कैसे होते हैं, पर्याप्त होते हैं, इसका मतलब है इतने छोटे हो जाते हैं कि वो आंतों की दीवारों के द्वारा सोख लिए जाते हैं। एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम यानी स्ट्रीम माने धारा, ब्लड माने रक्त, रक्त की धारा में, खून की धारा में चले जाते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, सर्टेन फिजिकल, सर्टेन माने निश्चित, फिजिकल माने कैसे एक तरीके से भौतिक, एंड केमिकल माने रासायनिक, तो इस प्रक्रिया में फिजिकल और केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक रिएक्शंस माने अभिक्रियाएं, ठीक है, टेक्स प्लेस माने होती हैं। तो देखो बहुत सारी भौतिक और रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है ना, किस किस प्रकार होती है ये देख लेते हैं। फिजिकल एक्शंस, तो जो फिजिकल एक्शंस होते हैं, भौतिक क्रियाएँ होती हैं, आइए देखते हैं कैसे। द फूड दैट वी ईट, ऐसा फूड जो वी ईट माने खाते हैं हम, इज चीव्ड विद टीथ, जो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, चीव्ड माने चबाया जाता है, सो एज टू ब्रेक द सॉलिड फूड इनटू स्मॉल पीसेस, तो ब्रेक माने तोड़ दिया जाता है, दांतों के द्वारा चबाकर सॉलिड फूड को किस में तोड़ दिया जाता है, स्मॉल पीसेस में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। देन इट इज चर्न्ड बाय द स्टमक टू मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, देखो इसके बाद क्या है, इट इज़ चर्न्ड, ये क्या है, एक तरीके से चूर्ण के रूप में बहुत बारीक कर दिया जाता है, बाय द स्टोमक, किसके द्वारा, पेट के द्वारा, टू मिक्स द फूड, भोजन को मिश्रित करने के लिए, विद द गैस्ट्रिक जूस, जो पेट में जूस होते हैं, रस होते हैं, है ना, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं उन्हें गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं, तो उनके साथ भोजन को मिलाने के लिए भोजन को बहुत छोटा छोटा कर दिया जाता है। इसके बाद देखो केमिकल एक्शन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन ऑफ सेवरल कैटेलाइटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द, ठीक है ना, देखो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो पाचन का प्रोसेस है ना, जो पाचन की प्रक्रिया है, इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन ऑफ सेवरल कैटेलाइटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो इन्वॉल्व्स माने शामिल करता है वो, एसोसिएशन माने बहुत सारे कंपोनेंट्स को, देखो किस तरीके से, सेवरल माने बहुत सारे, कैटेलाइटिक माने जो बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो पाचन के लिए लाभकारी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को बहुत सारे एसोसिएशन करता है यानी इकट्ठा करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, टू ब्रेक डाउन द, ब्रेक डाउन माने तोड़ते हैं, एंजाइम्स किसे तोड़ते हैं, आइए देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है उसे सिंपल यानी साधारण शुगर में तोड़ देते हैं। फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो फैट होती है, जो चर्बी होती है ना, वसा, उसे फैटी एसिड्स यानी जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनमें तोड़ देती है, एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल भी एक तरीके के पदार्थ होते हैं, उनमें तोड़ देते हैं। प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में, एमिनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। देयर, इस प्रकार ए टेबल इज गिवन इन विच डिटेल्स ऑफ सोर्स, देखो डिटेल्स दे रखी है एक टेबल में, सोर्स की, देयर सब्सटेंसेस, उनके पदार्थों की, अफेक्ट्स उनकी, जो प्रभाव होता है उसकी, एंड रिजल्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर गिवन, और उनसे जो बनता है उसकी, देखो टेबल दे रखी है, तो पार्ट दे रखा है, सोर्स दे रखा है, एंजाइम्स, सब्सट्रेट, प्रोडक्ट जो बनता है, और रिजल्टेंट, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में बनता है। तो देखो माउथ है, जैसे माउथ में सोर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा होता है माउथ में, तो वो जिसे आप क्या कहते हैं, लार की ग्रंथि होती है माउथ में, उसमें एंजाइम होता है एमाइलेज, और वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का, और इससे क्या बनता है, शुगर।
ठीक है। इसी प्रकार आप टेबल को पढ़ के देखिएगा एक बार।